नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक और नए और ख़ास विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। नया विषय इसलिए है कि मैं साइट विजिट पर रूटीन में जाता रहता हूँ और जो चीज़ें देखने में आती है वो हमेशा आप लोगों के साथ शेयर भी करता रहता हूँ। मेरे को साइट विजिट करते हुए लगभग 23 साल हो गए हैं। आज मैं आपको कुछ खास बात बताना चाहूँगा। आपकी अपनी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के अंदर हमेशा ही सर्दी के दिनों में लेबर आग जलाकर हाथ सेकती है। आपके यहाँ लेबर आग जलाकर हाथ सेकती है तो आपको किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? यदि आपके यहाँ लेबर नॉर्थ के भाग में, उत्तर दिशा में या ईशान कोने में, नॉर्थ ईस्ट जोन में आग जलाती है, हाथ सेकती है, तो मेरा अपना ये मानना है कि उन दिनों में आपका काम स्लो होता चला जाता है। आपके काम में कहीं ना कहीं दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उत्तर दिशा में जब भी आग जलती है तो फाइनेंस का लॉस होने का कारण बनता है और ईशान कोने में भी आग जलती है तो आपके ऑर्डर कम होते चले जाते हैं। तो ऐसे में मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आपके यहाँ लेबर आग जलाकर हाथ सेकती है तो आपको अपनी फैक्ट्री के साउथ ईस्ट के भाग में या साउथ के भाग में आग जलाकर हाथ सेकेगी तो उसका आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा। आपके यहाँ लेबर आग जलाती है और हाथ सेकती है तो उन्हें कहिए कि वो अपनी अंगीठी या तसले में जो आग जलाते हैं उसको साउथ ईस्ट के भाग में या साउथ सेंटर से साउथ ईस्ट की ओर रखेंगे और वहाँ पर हाथ की सिकाई करेंगे तो मेरा अपना ये मानना है कि आपको इसका फ़ायदा जरूर मिलेगा। आपके यहाँ ऑर्डर भी भरपूर आएंगे और आपके यहाँ लगातार पैसा भी जरूर आएगा। क्या काम करने से? साउथ सेंटर से साउथ ईस्ट की ओर या साउथ ईस्ट कोने में आग जलाने से। आपकी फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलती है उसी से आग जलाते हैं या लकड़ जलाते हैं तो वो आग आपने साउथ ईस्ट के भाग में जलानी है। ऐसा करने से आपके काम जरूर बनेंगे। नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में यदि आग जलती है तो उसको आप तुरंत हटाएं और साउथ ईस्ट में, साउथ के भाग में आग जलाएं तो आपको तुरंत लाभ जरूर मिलेगा। आप अपनी फैक्ट्री के साउथ सेंटर से साउथ ईस्ट तक जहां आपको स्पेस मिलता है वहां पर अंगीठी जलाएं या तसले में आग जलाएंगे तो उसका फ़ायदा आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि लेबर ने आग जलाकर हाथ तो सेकनी ही है। तो आप अपनी लेबर को बोले कि वो साउथ ईस्ट के भाग में या साउथ सेंटर से साउथ ईस्ट की ओर आग जलाएंगे तो उसका फ़ायदा आपको जरूर मिलेगा। वहाँ पर आपने अपनी फैक्ट्री के लिए सेफ्टी जरूर बरतनी है, इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। यदि आपके यहाँ लेबर बाहर की ओर बैठकर आग जलाती है, यानी फैक्ट्री से बाहर के भाग में आग जलाती हैं, तो कोशिश करें कि आप अपनी फैक्ट्री के साउथ ईस्ट के भाग में, यदि आपकी फैक्ट्री ईस्ट फेसिंग है तो आप साउथ ईस्ट के भाग में आग जलाएं और साउथ फेसिंग है तो भी आप अपनी फैक्ट्री के साउथ ईस्ट के भाग में आग जलाएंगे तो उसका फ़ायदा आपको जरूर मिलेगा। यदि आपकी फैक्ट्री नॉर्थ फेसिंग है तो भी साउथ ईस्ट के भाग की ओर आग को लेकर जाएं और वेस्ट फेसिंग है तो भी साउथ ईस्ट की ओर आग जलाएंगे तो उसका आपको लाभ जरूर मिलेगा। 100% आपको उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि आग्नेय दिशा में अग्नि की व्यवस्था होने से आग जलने से उस फैक्ट्री के अंदर वर्किंग प्लस हो जाती है, नए ऑर्डर भी आते हैं, पुराने ऑर्डर भी क्लियर हो जाते हैं और आपके यहाँ जितना भी माल डंप पड़ा है वो सारा माल धीरे धीरे करके निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने फैक्ट्री के साउथ ईस्ट के भाग में आग की व्यवस्था जरूर करें, क्योंकि लेबर ने आग तो जलानी है, हाथ सेकने के लिए आग का इस्तेमाल करना है, तो आप अपने वहाँ पर अपनी फैक्ट्री के अंदर साउथ ईस्ट के भाग में आग की व्यवस्था करें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और अपने सर्कल में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले जितनी भी नई वीडियो है उनका आप लाभ उठा सकें। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।